हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल बॉय गेमिंग। सो गाइस, आगे वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो गाइस जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग ने पिछले वीडियो में देखा होगा स्टैंडर्ड सर्वर की हमारी जर्नी में, तो जिसमें हम लोग ने स्टार्ट के तौर में ज्वाइन होते ही साथ सब कुछ मिल गया था। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, तो मैं सब चीज़ स्पेयर लग के फिर मैं ऑफ चला गया सब चीज़, मतलब फार्मिंग और वार्मिंग करके। उसके बाद जब मैं ऑफ गया तो गाइस उसी के आधे घंटे बाद, जो भी कह लो उसी के बाद, जो गाइस हमारा बेस जो था वो छोटा सा तो बेस था आयरन का, तो वही बंदों ने रेड कर दी जिनसे हमें गन मिली थी, एआर गन और बाकी सब फमास और यूजी मिली थी, सब उन्होंने रेड कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये हुआ गाइस। तो उसके बाद इस सर्वर में हमारा पिंग भी ज़्यादा था, तो उसके बाद हमने क्या किया गाइस, हमने दूसरा सर्वर ज्वाइन किया, वो भी जंप सर्वर ही हमने ज्वाइन किया, मतलब लेट सर्वर हमने ज्वाइन किया, एक तरह से जंप बोल दो आप लोग, जंप किया हमने। तो हमने शायद 8 दिन पे, फिर दोबारा कि 9 दिन पे हमने जंप किया दूसरा सर्वर। तो ये देख सकते हो, तो यही है सर्वर हमने जंप किया है, तो आप लोग पार्ट 1 भी देख सकते हो। तो अभी देखो इस पर हमने फिर से जंप किया, तो अभी हम लोग फिर से ट्राई करेंगे इस सर्वर को, देखते हैं होता क्या है गाइस यहाँ पे। से ना हो पाएगा, तो अभी हम लोग पूरा ट्राई करेंगे गाइस, कोशिश करेंगे इस सर्वर में हम लोग दोबारा से खेलने की। तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आप लोग देखो ये गेम का ये नया ग्लिच आया, देख सकते हो पेड़ हवा में उड़ रहा है। तो गेम में बक्स भाई बहुत ज़्यादा हो गए, क्या बताएं भाई, बक्स तो इतने हो गए हैं, बक्स और ग्लीचेस तो बहुत ज़्यादा हो गए गेम में, काफ़ी दिक्कत होती है गेम खेलने में। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फार्मिंग किया हमने यहाँ पर, अभी और भी फार्मिंग करना है गाइस यहाँ पर, तो क्योंकि पता है जंप सर्वर में डबल फार्मिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये है अपना बेस गाइस जो यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर रावण भाई ने बनाया बेस, तो देख सकते हो ये 5TC बेस। तो वीडियो काफ़ी लेट आ रही है गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब डेटा का प्रॉब्लम हो गया था, मैं क्या बताऊं, मतलब अपलोड करने के लिए भी डेटा होना चाहिए, तो गाइस अपने पास तो वाईफाई है नहीं, तो मोबाइल डेटा से ही वीडियो अपलोड करता हूं, तो थोड़ा प्रॉब्लम था। और गाइस यहां पे हुआ क्या, देखो यहां पे एक ऑफर आया हुआ है मेरे लॉबी में, आप लोग देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो ये आया है। तो इससे 60 टिकट का आप लोग बाई करने पे, देखो 200 टिकट का करेंट प्राइस 60 टिकट, और 60 टिकट का बाई करने पे मुझे यहाँ पे देख सकते हो तो 120 टिकट मिल रहा है, और साथ में जो स्किन्स मिली रही है डेज के लिए, कुछ डेज के लिए परमानेंट स्किन है, लेकिन देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा है गाइस। तो मैंने इसको यहाँ पे बाय कर लिया, और अभी देखो इसका क्रेट आया होगा तो मैं गैरेज में से ओपन करता हूँ गाइस यहाँ पे, तो देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या पड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो बहुत सारी स्किन पड़ी है, लेकिन सब एक एक दिन की है, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया, मैं भी डिसमेंटल कर दूँगा, लेकिन पहले मेन चीज़ देखते हैं जो क्रेट मिला है। तो ये तो कौन सा क्रेट है, तो गाइस लगता है यही वाला क्रेट है क्या, देखते हैं सर, ये वाला होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो हो गई, तो ये वाला हाँ, तो यही ग्रेट था, देख सकते हो गाइस 120 टिकट हम लोग को यहाँ पे मिल गया है। तो और सारी स्किन भी हम लोग अनलॉक कर लेते हैं, देख सकते हो बहुत पुराना मिला हुआ, 15-15 दिन के लिए दो चेस्ट है, 15-15 दिन वाली स्किन देख सकते हो, दो स्किन सभी मिल गई 15-15 दिन की आइस वाली। तो सारी स्किन हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पर मैंने गलती कर दी, दोनों करेक्टर यहाँ पे यूज़ कर लिया, मुझे एक ही करेक्टर यूज़ करना चाहिए था, दोनों एक एक दिन का, यानी दोनों एक ही दिन में एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा होता एक करेक्टर मैं यूज़ करता एक्सपायर होता, फिर दूसरा करेक्टर यूज़ करके मैं लगा लेता, तो अभी दोनों करेक्टर ही एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये वाला करेक्टर लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों एक्सपायर होगा तो कोई मतलब नहीं, तो एक ही करेक्टर हम लोग लगा लेते हैं गाइस, एक दिन के लिए मिला है तब से, तो भी सारी गन्स की यहाँ पे स्किन्स भी हम लोग लगा लेते हैं। सो यहाँ पर हमने सारी स्किन्स लगा ली, और ये देख सकते हो ये अपना बेस यहाँ पर देख सकते हो, तो स्किन्स है हमारे कुछ टीममेट्स के पास, तो उन्होंने यहाँ पे बेस बनाया, तो देख सकते हो स्किन आई है, तो यहाँ पर भी मैं पास डाल लेता हूँ यहाँ पे। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना फार्मिंग है अभी हमारे पास, देखो मास्क वॉक्स भी मिल गया है, तो अभी मैं फिर से दोबारा से जाना यहाँ पे इस फार्मिंग करने। तो अभी आप लोग लूट देख सकते हो, इतना ही लूट है, बेस भी बन गया, देखते हैं गाइस बेस कब तक टिकता है हमारा, हम लोग सर्वर में कब तक टिकते हैं, तो अभी चलते गाइस यहाँ पे फार्मिंग करने।
सो गाइस यहाँ पे फार्मिंग कर लिए गाइस थोड़ी सी, अभी और भी फार्मिंग करना है, अभी रूम करने भी हम लोग जाएंगे गाइस यहाँ पर। तो अभी हुआ क्या गाइस, यहाँ पे देख सकते हो अपने डिकाल्टो भाई यहाँ से एक बॉर्ड बेस जो एयरपोर्ट के पास स्पॉन होता है न्यू मैप में, शिपिंग पोर्ट के पास सॉरी, तो वहाँ से एक बॉर्ड बेस से लूट के लाए भाई। यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा जीपी और स्टोन आप लोग देख रहे हो, और 5 हैंडमेड भी मिल गए और AR गन्स भी मिल गए। लेकिन गाइस अफसोस यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पास स्पेयरसी नहीं। आप लोग देख सकते हो आर्मर भी मिल गया, आयरन का आर्मर मिल गया और स्टील का भी हेलमेट मिल गया गाइस यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो, और स्टोन ये सब तो मिला ही है। तो काफ़ी अच्छी लूट मिल गई, यहाँ हैंडमेड मिल गया और C4 भी है गाइस हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूँ पिछले वाले जो इससे पिछले वाले सर्वर था जिसमें हम रेड हुए, जिसमें मैंने छोड़ा, तो उसमें तो हमें रूम अरे सॉरी इजी मार के मिल गया था, अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट देखे होगे तो। और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी फार्मिंग पड़ी, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेट भी मिल गया है यहाँ पे, और वो ऑटोमेटिक राइफल भी मिल गया, और C4 भी है गाइस हमारे पास यहाँ पे, तो और बाज़ूका तो हाई गाइस। तो काफ़ी अच्छा लूट हमें यहाँ से मिल गया है गाइस यहाँ पे। तो अभी हम लोग चले थे रूम करने, यहाँ पे देख सकते हो रफीकुल भाई कार्ड लेके आए, तो मेरे पास सभी कार्ड है, तो हम लोग थोड़ा सा रूम भी यहाँ पे कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो आप लोग लो वीडियो का मज़ा। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया था पिछले वाले सर्वर में, मतलब पिछले वाली वीडियो में इस पार्ट वन के स्टैंडर्ड सर्वर की जर्नी में जंप करके जो हम लोग खेले थे, तो उसमें पार्ट वन में मैंने बताया था कि एवेंजर को मैं हम लोग गिलीच नहीं कर पा रहे, लेकिन गाइस उसमें हमारा लक इतना अच्छा था गाइस उस सर्वर में, मतलब इतना अच्छा लक था हम उसमें जंप किए थे, तो उसमें एवेंजर जो था वो भी हमें गिलीच मिल गया था, हमें गिलीच करना ही नहीं पड़ा, मतलब एक ही जगह सो नहीं जाते, जैसे एक जगह रुके रहते वैसे ही मिल गया था। और यहाँ पे देखिए वो पूरा ओपन रहता, तो यहाँ पे गिलीच करके मारना तो इम्पॉसिबल है गाइस, मतलब पॉसिबल है लेकिन कहाँ है, नॉट मतलब पॉसिबल है लेकिन कैसे हो गया पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो पूरा ओपन है, मतलब मैप यहाँ पे कहाँ ग्लिच करोगे, ओल्ड मैप पे तो आप कंटेनर पे ग्लिच कर लेते हो, लेकिन इसमें कहाँ पे ग्लिच करोगे हमें कुछ भी नहीं पता। तो हमने यहाँ पे काफ़ी ट्राई किया मारने का, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि इस सर्वर में भी थोड़ा पिंग हाई था गाइस, क्योंकि सेम तो सर्वर हमने जो ज्वाइन किया था मतलब लगभग मिलता जुलता सर्वर था, इसमें पिंक था हाई था, क्योंकि वो BRA मिक्स सर्वर था शायद, हाँ ब्राज़ील मिक्स था, सो BRA का फुल फॉर्म ब्राज़ील होते हैं, और ये जो भी हमने ज्वाइन किया ना सर USA मिक्स सर्वर है, लेकिन इसमें भी पिंक हाई है गाइस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे भाई पता नहीं, देखो तो हमें दूसरा सर्वर फिर से ज्वाइन करना है, तो इसमें खेलते हैं जैसे मैंने बताया था VPN लगा के मैं ट्राई करूँगा गाइस यहाँ पे। तो हमने तो काफ़ी ट्राई किया गाइस हमें जो गिलीच करने को हुआ नहीं, तो अभी हम लोग चलते गए सीधा और भी रूम करने चलते हैं यहाँ पे जो रूम्स बचे। देखो पिंक देख रहे हो जॉम्बी आपको मारता है ना उससे पता चलता है पिंक का, लेकिन उतना भी सही है गाइस, पिछले वाले सर्वर में पिंक का आज काफ़ी ज़्यादा इशू था, इसलिए हमने सर्वर किया और भी किसी वजह से लीव किया, क्योंकि वो सर्वर हमने 8 दिन पे जम किया था, तो हमें ज़्यादा जल्दी जम मतलब ज़्यादा लेट जम किया था, तो इसमें हमने 9 दिन पे जम किया है सर्वर ये लगा, तो इसीलिए। और उसमें पिंक का भी थोड़ा इशू था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा आपको पता ही होगा पिंक का इशू था। और यहाँ पे देखो अभी जल्दी से इसको भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लू रूम देखते हैं गाइस, पर्पल कार्ड तो शायद मिल गया यहाँ से कि पता नहीं, याद नहीं मुझे, तो अभी यहाँ से रूम कर लिए, रेड डॉट भी मिल गया गाइस यहाँ से। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा अगला वाला रूम करने जो बिल्डिंग के अंदर होता है गाइस, वो रूम में काफ़ी अच्छा लूट मिलेगा, पर्पल रूम है गाइस यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी रफीकुल भाई आ चुके हैं यहाँ पे, तो जल्दी से हम लोग रूम ओपन करते हैं और देखते हैं क्या लूट मिलता है गाइस। एक ट्रिक मैं बताऊँ आपको, बेसबॉल बैट आप लोग जरूर यूज़ करो, पहले भी मैं खेलता था तभी ना बेसबॉल बैट से ही ये तोड़ता था, काफ़ी अच्छा लूट मिलता था, फिर बैच में मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा ये ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन गाइस यहाँ पे देखो हमें मिल जाती है QBZ। तो ये देख सकते हो कि ट्रिक काफ़ी तगड़ी है गाइस, आप लोग भी बेसबॉल बैट यूज़ किया करो MOHS तोड़ने के लिए, चांस रहता है लूट, क्योंकि मुझे तो मिलता था भाई पहले भी मिलता, लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे मिथ होगा तो, लेकिन देखो अभी देखो मैंने अभी तोड़ा, देख सकते हो QBZ मिल गया जो कि जल्दी मिलता है, वैसे मुझे मिला है कई बार लेकिन क्या पता गाइस कुछ कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या है गाइस, हम लोग देखो रॉकेट बेस के पास ही थे, और यहाँ पे हमारे बरन भैया कर रहे थे फार्मिंग, और यहाँ पे उनका गेम बजा दिया किसी बंदे ने मतलब उससे, तो मैंने फिर मैं आया गाइस यहाँ पे फ़ौरन, मैं वहीं पे था, मैंने देखो लूट भी नहीं रखी मैं आया, तो उस बंदे को मैंने मारा यहाँ पे गाइस, तो उससे लूट मिले, तो मेरा बैग तो फुल था देख सकते हो, तो जितना लूट मेरे से उठ सकता था मैंने उठाया, और मेरा हेल्थ भी कम था देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने हील भी कर लिया। अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं गाइस वापस, तो बरन आएगा गाइस वो यहाँ पे लूट उठा लेगा, तो आप लोग लूट देख सकते हो, तो उससे एक सेमी मिल गई गाइस उस बंदे को जिसको मारा, तो उस बंदे ने हमारे बरन भैया को फार्मिंग करे तो उनको मार दिया गाइस यहाँ पे उसको, तो सेमी से तो मैंने उसको फिर यहाँ पे आया, तो वो यहीं पे था गाइस मतलब नूबड़े जैसा फाइट कर रहा था गाइस, मैंने उसको नॉक कर दिया गाइस यहाँ पे मतलब ख़त्म कर दिया, और नॉक करते ही साथ उसने खुद ही अपने आप ही दबा लिया, मुझे फिनिश ही नहीं करने दिया। तो अभी हम लोग बैंडेज बना लेते हैं, मैं रिकॉर्डिंग लगाना दरअसल बंद कर दिया था गाइस, कोई मतलब नहीं था रिकॉर्डिंग लगा के, फिर मैंने ध्यान भी नहीं किया रिकॉर्डिंग पे तो मैं भूल गया, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग लगा ली है। तो अभी हम लोग चलते गए सीधा यहाँ, तो बरन आके लूट ले लेगा, तो हम लोग सीधा चलेंगे बेस गाइस और सारी लूट रख के आते हैं।
तो बैंडेज काफ़ी अच्छे खासे हो गए गाइस, क्लॉथ मिल गए थे यहाँ पे बंदे से, और ये जो क्लॉथ मैंने यूज़ किया ना ये बरानी का क्लॉथ था, मतलब उसी ने फार्मिंग किया तो उस बंदे ने मार के ले लिए थे इससे। तो स्टैंडर्ड सर्वर में यही गाइस लूट पूरा गिरता है, तो अच्छा है चाहिए अपना भी लूट गिरेगा लेकिन दूसरे को मारोगे तो उसका भी लूट पूरा ही मिलता है गाइस यहाँ पे। तो फिर हुआ क्या गाइस यहाँ पे देखो, तो मैं तो वापस चला गया, बरन आ रहा था लूट लेने तो वो तो बेस से आ रहा था, दूर था थोड़ा, तभी उतने देर में वो वापस आ रहा था, तभी से वो बंदा ना गाइस जिसने मारा था, जिसे बरन को मारा था मैंने और जिसे मारा था, वो फिर से दोबारा आ गया गन लेके, और उसने बरन को फिर से दोबारा मार दिया। तो जितना लूट मिला था फिर से दोबारा चला गया, बस उसका ये यू क्या नाम है ये सेमी ऑटो मैंने उठा लिया था, तो भी मैं वो दोबारा से उस बंदे को ढूंढ रहा, क्योंकि देखो इतना जल्दी आया था तो उसका बेस जो है ना गाइस आस ही पास होगा, और वो इधर ही साइड से आया था, बरन ने बताया, बरन इसके बाद वो और आगे चला गया था, तो उसने और आगे मारा बरन को, इससे मार के देख रहे होगे आप लोग। तो अभी हम लोग जल्दी से उसका बेस ढूंढते हैं, यहाँ देखते गाइस कहाँ पे है उसका बेस, या अगर वो हो सकता है यहीं पे होगा तो मिल जाएगा, तो कैसे उसको हम लोग यहाँ पे मार देंगे। मुझे काफ़ी देर होगा उसमें, हम लोग रस्ते में तो मार दिए लेकिन मेरे पास इस बार गन थी, मैं इसलिए नहीं गया कैसे, हो सकता है मेरी क्यूब जेट भी जा सकती थी तो इसलिए मैं नहीं गया उससे दोबारा फाइट करने। तो अभी देख सकते हो तो नाम तो नहीं आ रहा उसका रिपोर्ट में, तभी हम लोग और आगे जाके देखते हैं, तो यहाँ पर हो सकेगा उसका बेस मिल जाएगा तो उसको हम लोग उसका अभी मतलब पोपट बजाएंगे या फिर अपना ही पोपट बज जाएगा, यही दो काम होगा। तो काफ़ी देर से बेस ढूंढ रहा होगा इस यहाँ पे उसका, मतलब सॉरी उसको ढूंढ रहा है, यानी वो तो मिल नहीं रहा ना ही उसका बेस मिल रहा है, तो अभी क्या करेंगे इस, अभी और थोड़ा सा देर ढूंढेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग खुद ही वापस निकल लेंगे, अपने पास रेड डॉट भी आ गया है इस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गाइस मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, मुझे यहाँ पे एक बेस मिला, रिपोर्ट में भी नेम आ रहा उसका, और देखते गाइस मुझे लग रहा है पक्का उसी का बेस है गाइस, उसने बनाया है फार्मिंग के लिए यहाँ पे, देख सकते हो तो स्टील का है। तो यहाँ पर और गाइस ये देखो बाहर निकल गए गाइस, इसको बजाते हैं गेम, और यहाँ पे देखो गाइस इतना डैमेज दिया हुआ ना और तभी मरा नहीं, सेमी निकाली मैंने, और ये देख सकते हो गाइस डैमेज ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे हुआ कहना गाइस, आप लोग कहोगे पिंक का इशू, लेकिन पिंक का इशू नहीं था, ये मेरा नेटवर्क का इशू था गाइस, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क उस टाइम सही नहीं चल रहा था, आप लोग जानते हो वाईफाई तो खेलता नहीं हूँ मैं, मेरा मोबाइल डेटा रहता है, तो थोड़ा नेटवर्क इशू था, थोड़ा सही हुआ देख सकते हो, तो इसका हमने गेम बजाया। और यहाँ पे इसने इससे इतना कम डैमेज क्यों हो रहा था ना कि देखो इसने आयरन आर्मर पहना हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन हेलमेट दिखा होगा आपको, मैं इसका आयरन आर्मर ले लेता हूँ यहाँ पे गाइस, मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था यहाँ पे, और देख सकते हो गन अपने आप ही चल रही थी, मेरा नेटवर्क भी थोड़ा सही नहीं था यहाँ पे, तो मैं जल्दी से उसका यहाँ पे आयरन सेट पहन लेता हूँ गाइस, फुल यहाँ पे मिल गया है, और उतनी देर में मैं आयरन सेट पहनता हूँ वो दोबारा आता है, तभी मैं जल्दी जल्दी आयरन सेट उसका यहाँ पे पहन लेता हूँ, और देखो उसने मुझे नाइफ से मार दिया गाइस, लगभग मैं यहाँ पे गया ही था इस बार भी देख सकते हो, फिर ने मेरा नेटवर्क यहाँ पे गया था, और यहाँ पे गाइस इसको मैं दोबारा मार देता, इस बार एक किचनी नाइफ लेके आ गया था गाइस यहाँ पे। तो अभी हुआ क्या ना गाइस, इसका जब मैं बेस चेक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेस, आप लोग देखो थे तो मेरा बोन आर्मर है, मैंने इसका आयरन आर्मर ले लिया, मैं बोन आर्मर पहना था। तो यहाँ पर भी देखो इसका बेस, देखो पूरा बेस ओपन है, टीसी भी ओपन है, तो मैंने सोचा इसके बैग में टाइमर आया था क्योंकि इससे मारा मैंने, फिर तुरंत आया इसने मैंने मार दिया, मुझे लगा ना यहाँ पे इसके बैग में टाइमर आ चुकी होना ही चाहिए, तो यहाँ मैंने बोला ना बरन्स की दो बॉम्ब लेके आ जाओ तुम, और ये जैसे ही यहाँ पे खोल के बाहर निकलेगा ना हम लोग दो ऑयल बॉम्ब चिपका देंगे अंदर, जिससे इसका टीसी टूट जाएगा, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे वुड फार्म करने लगता हूँ टीसी बनाने के लिए, बरन लेके आएगा तभी उतने देर में मैं ध्यान नहीं देता हूँ, सर बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मुझे पता नहीं पीछे से आता है, फिर मैं जल्दी से छुपता हूँ, देख लो मेरा हेल्थ तो काफ़ी कम कर दिया था उसने, तभी मैं उसको फाइट देने की कोशिश करता हूँ देख सकते हो, और इतने में मुझे नॉक कर देता है गाइस, क्योंकि इस बार ये फिर आयरन आर्मर पहन के आया था, और इसने जो फमास ली थी फुल्ली अटैचमेंट वाली ली थी देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे मेरा पोपट हो जाता है गाइस यहाँ पे। तो फिर हम आ जाते हैं सीधा बेस पे, अपने पधार लेते हैं गाइस यहाँ पे, और अब तो दोबारा जाके कोई फायदा नहीं था उससे फाइट करके, क्योंकि उसका मेन बेस जो था गाइस पीछे ही था, ये उसका फार्मिंग, क्योंकि देखो इसका मेन बेस पीछे था क्योंकि इसके यहाँ पे गन नहीं थी, इसलिए वो मेन बेस से गन लेके आया गाइस यहाँ पे, तो इसका मेन बेस पीछे था, फुल आयरन आर्मर इसने पहन के आया, तो जो भी मिला था हमें वो सब भी हमारा मतलब सॉरी चला गया गाइस यहाँ पर। तो अभी क्या कर सकते हैं गाइस, तो अभी तो मर गए, तो अभी हम लोग करेंगे क्या गाइस, बेस पे स्पॉन होंगे और फिर क्या फार्मिंग पे लग जाएंगे फिर और क्या। तो यहाँ पे अब फिर मैं स्पॉन हो जाता हूँ गाइस बैग पे, देख सकते हो तो ये अपना बेस और पूरा सारा लूट तो चला गया। तो अभी फिर से दोबारा पे यहाँ से हम लोग फार्मिंग कर रहे थे गाइस यहाँ पे, और क्या बताया गाइस फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है गाइस, करना चाहिए फार्मिंग, क्योंकि गाइस वो एनिमी को बेस हमारा पता चल गया था शायद उसको, क्योंकि अंदाज़ा तो हो ही गया होगा क्योंकि जंपर्स आए हुए हैं सर्वर, जिस तरह से हम लोग इतना बार फाइट किए हैं, और अभी हमारे पास ना ही बेस अपग्रेड है, फार्मिंग बहुत है अपने पास लेकिन ना ही कोई चीज़ का रेसिपी है, ना ही कुछ कोई भी चीज़ रिफाइन हुआ हुआ है। सो गाइस अभी इतना ही फार्म हुआ है, तो अभी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, अभी और फार्मिंग करना है, तो अभी मैं सीधा आपको बेस पे दिखाता हूँ कितना फार्मिंग है अभी मेरे चेस्ट में रखा, देख सकते हो तो अभी इतना फार्मिंग है और इससे ज़्यादा फार्मिंग मैं दे चुका हूँ करीब, अभी देख सकते हो तो इतना सल्फर मैं 10,000 सल्फर कम से कम कर चुका गाइस। और यहाँ पे देखो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं, अभी 6 बज रहा होगा शाम का यहाँ पे, जिस टाइम मैं गेम खेल रहा था यहाँ पे, मतलब जिस टाइम मैं ऑनलाइन हूँ गेम उस टाइम का बता रहा हूँ, 6:30 बजे, तो फिर मैं सोचा रात का, फिर उसके बाद रात के 11 भी बज गया फार्मिंग करते करते, फिर मैं सोचा थोड़ा सा रूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं रूम आया करीब अभी आप लोग सोचो 11 बज रहा था रात का, तो यहाँ पर मेरा देख सकते हो थोड़ा गेम भी अटक गया है,
तो यहाँ पर मैंने कर लिया यहाँ पे देख सकते हो, और जैसे ही मैं यहाँ पे रूम खोलता हूँ ये हो जाता है गाइस, देख सकते हो मेरे अंदर ही आ जाता है। यहाँ पे मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, अंदर ही आ जाता है ये। और मेरा हेल्थ गाइस, मैं तो मुझे तो लगा था यहाँ पे मैं मर ही जाऊँगा, लेकिन बच जाता हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हो इससे थोड़ा सा लूट मिलता है, और जल्दी से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना बेसबॉल बैट नहीं लाए, भूल गए हैं, तो जल्दी से तोड़ लेते हैं गाइस इसको। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ खास लूट नहीं मिला, नहीं यही लूट मिला आप लोग देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे ये वाला रूम भी, पर्पल रूम भी ओपन कर लेते हैं, इस पर्पल रूम से देखते हैं क्या लूट मिलता है यहाँ पे। तो अभी हमारा बेसबॉल बैट तो नहीं है जादुई वाला, तो ज़्यादा कुछ खास लूट मिलेगा नहीं आप लोग देख सकते हो। यही लूट मिला है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ही लूट मिला आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे। बस अब ये एडवांस एमो से देखते हैं क्या मिलता है। तो इससे एक बाजूका मिल गई, वैसे बाजूका है अपने पास तोड़ो पहले से ही है, 3 बाजूका हो जाएगी। तो सारा लूट हमने रख दिया। और यहाँ पे देख सकते हो अपने रावण भाई अभी भी ऑनलाइन है, यहाँ पे देख सकते हो बेस बना रहे हैं, रात को नाइट को यही ऑनलाइन रहने वाले हैं रावण भाई यहाँ पे अपने बेस पे। तो अभी हम लोग सीधा चलते गए इस यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं अपना बेस। तो जैसे मैंने बताया 5 TC बेस है देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 TC चारों साइड 4 TC लगे हैं और एक मेन TC है। तो भाई ने यहाँ पे 5 TC बेस बनाया, यहाँ पे दिखा रहे हैं मेन TC, चारों TC दिखा दिए। तो 5 TC बेस हमने बनाया ये गाइस। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे ऑफलाइन चला जाता हूँ ग्लाइडर बनाने का, अंदर रात का 11 बजे 12 बजे तक मैं ऑनलाइन था। फिर उसके बाद इनमी आ जाती है 12:30 बजे यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग देखो यहाँ पे, तो मैं तो ऑनलाइन था ही 11:30 बजे तक ग्लाइडर बना लिया था मैंने, ऑफ गया मैं फिर। तो उसके बाद गाइस रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास यहाँ पे ना गाइस हमारा बेस जो यहाँ पे रेड हो गया गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो एक इनमी ने यहाँ पे हमारा रेड कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा बेस यहाँ पे रेड हो जाता है गाइस देख सकते हो। ओडिन नाम के बंदे ने और लिफू मी करके किसी ने यहाँ पे सारा हमारा बेस यहाँ पे रेड कर दिया आप लोग देख सकते हो। पूरा TC सब तोड़ दिया यहाँ पे रावण भाई ने, और बरन ऑनलाइन थे, हमारा बेस भी ज़्यादा अपग्रेड नहीं था और ना ही हमारे पास किसी भी चीज़ की रेसिपी, तो यहाँ हमारा पोपट हो गया। तो हमने फिर से सोचा चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे देख के। तो यहाँ पर हमारा तो रेड हो गया, लेकिन हमने सोचा इस सर्वर में भी नहीं छोड़ेंगे इसको, एक बार और ट्राई करते गाइस यहाँ पे। तो हमने फिर से यहाँ पे बेस बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैं तो ऑफलाइन था यार, सुबह तक मैं ऑनलाइन आया ही नहीं, फिर शाम में ऑनलाइन आया मैं। तो फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे हमने दूसरा बेस बनाया, और ये फार्मिंग हमने नहीं की गाइस, जो आप सल्फर देख रहे हो ना इतना सारी हमने फार्मिंग नहीं की। बरन ने फिर यहाँ पे जा रहा था बेस बनाने, तो वहाँ पे रास्ते में एक बेस जो था वो रेडेड मिला या डेमोलिश हो गया था मेंटेनेंस से, उसमें से इतना सारा सल्फर मिला गाइस, हमने फार्मिंग नहीं की अभी जरा से भी। अभी तो हमने सर्वर में बस बेस बनाया, ये सब जो जितनी भी फार्मिंग ज़्यादातर फार्मिंग है वो गाइस हमें रेड बेस से मिली है। तो यहाँ पर हम लोग रूमिंग कर रहे थे गाइस यहाँ पे, तभी एक बंदा यहाँ पे पीछे पड़ जाता है हैशटैग को करके। तो यहाँ पे मैं भाग रहा था, यहाँ पे ग्लाइडर भी नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि मेरे ग्लाइडर में फ्यूल नहीं था गाइस। मैं यहाँ पे बहुत सोचता हूँ कैसे जंप करके मेरा ग्लाइडर हो जाए एक्टिव, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि इतने से थोड़ी ना हो गए। तो यार यहाँ पे अपने पास फ्यूल भी नहीं था कि अपने भागते हैं यहाँ से। तो वहाँ पे देख सकते हो वो बंदा जो है मेरे पीछे ही आ रहा है, आप लोग देख ही रहे होगे, तो मैं आपको दिखा दो देख सकते हो। अभी वो यहाँ पे पता नहीं कहाँ के गाइस, तो वहाँ पे अभी आप लोग देखो ऊपर वो ग्लाइडर से यहाँ पे आ रहा है अपने पीछे गाइस, आप लोग देखो वो ग्लाइडर से आ रहा है गाइस यहाँ पे। तो अपने पास भी ग्लाइडर लेकिन फ्यूल नहीं है, तो फिर मैं इधर भागने लगता हूँ क्योंकि ग्लाइडर से वो मेरे से आगे ही निकल जाएगा। फिर मैं इधर भागता हूँ लेकिन वो गाइस यहाँ पे मुझे मार देता है गाइस पीछे करके। लेकिन यहाँ पे अपने जो सारे फ्रेंड लोग थे वो पीछे थे, उसने खाली मुझे ही देखा, बाकी हमारे टीममेट्स को नहीं देखा। और देख सकते हो उसने मुझे यहाँ पे SMG से नॉक किया, और यहाँ पे बरन भैया आ ही गए थे यहाँ पे पीछे, और उसने यहाँ पे मतलब शॉटगन से यहाँ पे चुटपुटियाँ बचा दी। और ये वही लोग हैं गाइस जिसने हमारा बेस रेड किया था, और यही हमसे गलती हुई। तो देखो इनमी को यहाँ पे फिर से पता चल गया क्योंकि हम लोग सर्वर पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इनमी ने किया क्या गाइस ना, यहीं से हमारा बेस ढूंढना उसने शुरू कर दिया हेली पे। तो हेली पे जानते हो बेस कितना ईजी मिल जाता है, तो फिर से उसने बेस रेड, तो कहते हो जंप सर्वर भी खेलना उतना ईजी नहीं है गाइस यहाँ पे, बहुत हार्ड होता है जंप सर्वर, क्योंकि बंदे को अगर पता चलता है हल्का सा भी अगर किल फील्ड में नाम जाता है ना, तो इनमी को पता चल जाता है कोई खेल रहा है सर्वर में, और वो ना एक्टिव हो जाती है फिर ना पूरा बेस ढूंढने लगती है। तो इसको तो मार दिया बरन ने, सारा लूट तो मिल गया, लेकिन इनमी को तो पता चल गया था गाइस यहाँ से कि हम लोग सर्वर में खेल रहे हैं। और इसी के बाद से गाइस इनमी एक्टिव हो गई और वो हमारा बेस ढूंढने लगी यहाँ पे गाइस हेली से वो भी। तो यहाँ पर उसके बाद गाइस देखो हुआ क्या, तो हमने यहाँ पे ड्रॉप आया था, तो ड्रॉप पे देख सकते हो एक बंदे का नाम आया, तो हमने ड्रॉप यहाँ पे लूट लिया गाइस यहाँ पे इनमी का था, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप एक अनलॉक था पहले से, और यहाँ पे बरन ने लूट लिया देख सकते हो करके बंदा आ रहा है। तो ये बंदा भी उन्हीं का टीममेट है गाइस, मतलब इनमी का जिसने हमारा रेड किया, लेकिन ये ऑनलाइन तो था लेकिन पता नहीं कहाँ था, मुझे लगता है गेम ओपन करके छोड़ के चला गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ से AK मिल गई थी बस, और यही सब मिला था, ज़्यादा कुछ खास लूट मिला नहीं, बस AK मिल गई थी। तो अभी वैसे हमारे पास सब चीज़ तो थी, लेकिन गन भी थी, लेकिन हमारे पास रेसिपी नहीं थी। फिर मैंने सोचा गाइस यहाँ पे रूम कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर पावर जो भी कह लो आप लोग। तो यहाँ पे मैं रूम देखता हूँ गाइस, और यहाँ पे ग्लाइडर देख सकते हो, यार क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग ग्लाइडर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्लिच हो रहा और रूम हो रहा नीचे। तो देखते गाइस रूम में लूट है कि नहीं। तो अभी गाइस देखो अभी हम लोग जल्दी से रूम कर लेंगे गाइस यहाँ पे, देखो आप लोग लास्ट तक देखो अगर होता क्या हमारे साथ गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने तो रूम कर लिया गाइस यहाँ पर, तो अभी जल्दी से चलते रूम तो मतलब कर लिया नहीं अभी, कर लेते गाइस यहाँ पे। तो ब्लू रूम है तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते गाइस यहाँ पे, तो लूट भी है गाइस, तो अभी जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं।
सो यहाँ रूम से तो ज़्यादा कुछ खास लूट मिला नहीं गाइस, देख सकते हो तो यही लूट मिला। तो उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो पहले हमारे फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं वही रूम करके आया था और यहाँ पे हमारे टीममेट जो थे यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ये जो है फार्मिंग आप लोग देख सकते हो, यहाँ जॉन भाई ने फार्मिंग की हुई इतनी सारी। और यहाँ पे हुआ क्या गाइस, देखो इनमें आ गई थी हमारे बेस पे हेली से, वो एक बंदा आ चुका था इनके टीममेट का, कैजर नाम था उसका, कैजर KAIZER। तो उसने हमारा बेस यहाँ पे हेली से ढूंढ लिया था, हेली का आवाज़ आ रहा था और उसने हमारा बेस ढूंढ लिया था गाइस। हेली से ढूंढना बहुत ईजी है बेस गाइस, उसने हमारा बेस ढूंढ लिया था। अभी वो लोग यहाँ पे, उसके बाद ही हमने बेस अपना जल्दी जल्दी सारा अपग्रेड किया, जितना भी था हमने सब कुछ लगा दिया अपग्रेड करने के लिए। और यहाँ पे इनमी फाइनली हमारा बेस रेड करने आ गई है। तो यहाँ पर गाइस देखो, हमारे पास ना ही गन थी गाइस, इस बार तो हम लोग एकदम नल्ले थे गाइस। क्या बताएं, हमारा जो ना, मैं क्या बताऊँ, हमारा पास रेसिपी तो था, इस बार क्या हुआ ना, हमारे पास रेसिपी थोड़ा था और फार्मिंग हमने सारी लगा दी थी कुकर की, इस बार हमने सही किया था। लेकिन एक गलती हमसे यहाँ पे क्या हुई ना गाइस, हमने स्पेयर ज़्यादा फार्म नहीं किया, सबने फार्मिंग किया खाली सल्फर वल्फर ये सब, और हमने स्पेयर नहीं फार्म किया क्योंकि हमारे पास रेसिपी तो थी, लर्न कर ली हमने थोड़ी मोड़ी, लेकिन हमारा वर्क बेंच जो था वो मेड वर्क बेंच ही था। मैं आपको दिखाता हूँ, मेड वर्क बेंच ही था हमारा, तो मैं आपको भी दिखा दूंगा वर्क बेंच भी। तो यहाँ पे देख सो काफ़ी बंदे आए हुए थे गाइस, कम से कम मुझे लगता है 10-12 बंदे थे, क्योंकि कुछ बंदे जो थे ना वो लीजन के बाहर भी थे, क्योंकि ये लोग थे जो थे ना वो कुछ बंदे अपने ही बंदे को मार दे रहे थे। जैसा आप ने देखा मूसे करके बंदे को, उसने खुद ही मार दिया, अपने ही बंदे को मार दिया। तो यही सब था गाइस यहाँ पे। तो अभी वो देख सकते हो कार खड़ी थी, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग के जाऊँ लोग की कार और कुछ उठा के लेके भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन तो यहाँ पे देख सकते हो तो बंदे तो काफ़ी सारे थे, आप लोग देख रहे होंगे बंदे काफ़ी थे गाइस। मैंने रिपोर्ट नहीं दिखा पाया, तो एडिटिंग का वर्क देखी थी मैंने, लेकिन एडिटिंग का वर्क हार्ड गया क्योंकि 20-30 मिनट तक, आधे घंटे तक रेड चला था, तो पूरा वीडियो नहीं दिखा मैंने, सिर्फ मेन पार्ट दिखाया। तो यहाँ पर हमारे सभी बंदे इस बार तो ऑनलाइन थे, मैं भी ऑनलाइन था, देख सकते हो रेड किए ही जा रहे हैं गाइस यहाँ पे। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं गाइस, देखो हमारा पास बेस का जो वीक पॉइंट है ना गाइस, वो ऊपर से था, देखो नीचे से हमने पूरा अपग्रेड कर दिया, सभी डोर आयरन कर दिए थे, तो नीचे से उनका रेड करना पॉसिबल नहीं था। और थोड़ा स्टैकिंग वाला बेस था, बस बेस डिजाइन भी थोड़ा नहीं सही था, एकदम बेकार बेस डिजाइन था, थोड़ा सा तो सही हुआ था लेकिन डिफेंडिंग करने लायक नहीं था। तो मैंने यहाँ पे वॉल लगा के बंद किया गाइस यहाँ पे सब, तो यहाँ पे रेड तो कर दिया था लेकिन मैंने बंद कर दिया गाइस। देखो नीचे से उनके हमने बॉम्ब ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बॉम्ब सब लोग ने मिल के बर्बाद करवा दिए थे उनके नीचे से तो उनको रेड नहीं कर पा रहे थे, देख से तो जैसे कि आप लोग देख ही रहोगे यहाँ पे नीचे से हम लोग उनको रेड करने बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि बंदे हम लोग काफ़ी थे, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे इधर कर रहे थे, मतलब बंदे बहुत थे हम लोग यहाँ पे, सभी लोग ऑनलाइन थे देख से तो यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने डोर भी आयरन कर दिया गाइस यहाँ पे कोड लॉक लगा के, देख से तो जैसे आप लोग देख ही रहोगे हम लोग नीचे से रेड नहीं करने दे रहे थे उनको। और यहाँ पे मैं ऊपर निकाल ही रहा होता हूँ गाइस, और वो बंदा बेस के ऊपर आ गया था। वो आया कैसे मैं आपको बताऊँ, उन्होंने सीलिंग से रेड कर दिया था गाइस यहाँ पे हमारा बेस, तो उन्होंने हमारा बेस यहाँ पे सीलिंग से रेड करके आ गए थे, कि वो लोग डोर से नहीं ऊपर से हमारा बेस रेड कर लिया, जो हमारा वीक पॉइंट था ऊपर से हमारा बेस ज़्यादा अपग्रेड नहीं था, इतना बड़ा बेस बना दिया लेकिन अपग्रेड कुछ नहीं था, ऊपर से दमी बेकार बनाया था गाइस, मतलब ऊपर से डिफेंड करने लायक बेस नहीं था, सिर्फ नीचे से डिफेंड हो सकता था, ऊपर से डिफेंड वाला बेस था ही नहीं ऐसा था। तो यहाँ पर हमारा बेस रेड हो चुका है गाइस, टीसी भी उन्होंने लगभग तोड़ दिया क्योंकि देख सकते हो तो ब्लिंक होने लगा है, और यहाँ देख सकते हो तो बंदे हमारे बेस के अंदर है क्योंकि टीसी रूम के पास ही मुझे मारा, तो मतलब टीसी रेड हो गया था। तो यहाँ पर बैग भी हमारा तोड़ दिया, तो टीसी यहाँ पे रेड हो गया था, हमारे पास गन नहीं थी। यहाँ पर फाइनली जाकर डॉली को थोड़ी सी गन मिलती है, एक गन किसी को मार के वो काफ़ी 2-3 बंदों को नॉक करता है, लेकिन उसकी एमो खत्म हो जाती है यहाँ पर, फिर उसका भी भाई बैंड बाजा बारात हो जाता है यहाँ पर। तो गाइस सर्वर भी हम लोग लॉस किए, तो चलो अब देखेंगे गाइस क्या करना है। वैसे जंप सर्वर तो हमारे हाथ में नहीं, विन करना तो मतलब हाथ ही में, लेकिन भाई बहुत मेहनत है इसमें, चलो अभी तो हम नहीं कर पा रहे। तो सो गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।